सोशल मीडिया पर ये वीडियो छत्तीसगढ़ का बताते हुए शेयर किया जा रहा है। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि वहां हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने रैली के दौरान मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए और उत्पाद मचाया। एक फेसबुक यूजर ने लिखा कि भाजपा शासित राज्यों के बाद कांग्रेस सरकार वाले राज्यों में भी मुसलमानों और मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। यूट्यूबर फराज मलिक ने भी अपने चैनल से पोस्ट किए गए एक वीडियो में ऐसा ही दावा किया। इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं। तो क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में हिंदू संगठनों की रैली में शामिल लोगों ने मस्जिद पर हमला किया? इसका जवाब है नहीं। छत्तीसगढ़ स्टेट फेक न्यूज कंट्रोल एंड स्पेशल मॉनिटरिंग सेल ने स्थानीय पत्रकारों को व्हाट्सएप पर यह भेजा। इसमें वीडियो पर फेक न्यूज अलर्ट का स्टैंप है, लेकिन पोस्ट में वीडियो से जुड़ी कोई जानकारी शेयर नहीं की गई थी। ऑल्ट न्यूज ने छत्तीसगढ़ के फेक न्यूज मॉनिटरिंग कमेटी के सचिव उमेश मिश्रा से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि इस वीडियो के साथ कोई जानकारी शेयर नहीं की गई थी। गड़बड़ी न हो इसलिए इस पर फर्जी का स्टैंप लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने वरिष्ठ अधिकारियों से इस वीडियो की डिटेल्स मांगी है। आगे ऑल्ट न्यूज ने 4 अप्रैल को पोस्ट किए गए इस वीडियो के कमेंट्स चेक किए। एक यूजर ने कमेंट में ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का बताया था। बिलासपुर पुलिस से संपर्क करने पर हमें पता चला कि ये वीडियो लुथरा शरीफ दरगाह का है, जो सीपत थाने के अंतर्गत आता है। सीपत पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राजकुमार सूरी ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि हर साल सम्राट विक्रमादित्य समिति हिंदू नववर्ष पर एक विशाल रैली का आयोजन करती है। इस साल भी 2 अप्रैल को ये रैली निकाली गई थी। इस दौरान अनजाने में डीजे म्यूजिक सिस्टम वाली गाड़ी दरगाह की तरफ मुड़ गई और रैली में शामिल लोग भी गाड़ी के पीछे चल दिए। उन्होंने कहा कि रैली के दौरान पुलिस का सही बंदोबस्त था और जब दरगाह के सामने से रैली निकली तो कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। दैनिक भास्कर के पत्रकार रियाज अतरासी ने भी हमें यही बताया। वो दरगाह लुथरा शरीफ कमेटी के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार था कि ये रैली दरगाह तक पहुंच गई, लेकिन जानबूझकर या बदमाशी की खबरें बिल्कुल झूठी और भ्रामक है। उन्होंने ये भी बताया कि स्थानीय मुसलमानों ने रैली के सदस्यों के लिए कोल्ड ड्रिंक और नाश्ते की व्यवस्था भी की थी। दरगाह के पास स्थित बाबा बुक स्टोर के मालिक मोहम्मद इब्राहिम ने हमें बताया कि ये रैली हर साल निकाली जाती है, लेकिन ये पहली बार था कि वो दरगाह की गली में गए और दरगाह के सामने जय श्री राम के गाने बजाए। मोहम्मद इब्राहिम ने हमें ये भी बताया कि रैली में शामिल लोग दरगाह के परिसर में नहीं गए थे, यानी छत्तीसगढ़ में हिंदू संगठनों की रैली में लोगों ने मस्जिद पर हमला नहीं किया। डीजे म्यूजिक सिस्टम की गाड़ी अनजाने में दरगाह की तरफ मुड़ गई और रैली में शामिल लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए।